आज हम एक कस्बे के अंदर है जिसका नाम है कंपिल, और यहाँ पे आप ये नीचे देख रहे हैं कि ये इसमें एक रोग लगा हुआ है। जरा नीचे दिखाना, ये इसकी जो पत्ती है ये पूरी तरह से सिकुड़ चुकी है। तो आप थोड़ा सा ना बीमारी के बारे में जरा स्पष्ट करके बताओ कि किस टाइप की बीमारी है, कब कितना टाइम हो गया इसके लिए। ये सर इस मिर्च को लगाए हुए लगभग जो है एक या सवा महीना हो गया है, लेकिन इसमें पत्ती सिकोड़ा की बीमारी लग रही है, बहुत जबरदस्त फैल रही है। अभी हल्की है लेकिन आगे चल के बहुत अधिक हो जाएगी। वो तो फिर इसमें फल फूल आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, पौधे इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे ये पत्ती में छेद भी हो चुके हैं। वो मिर्ची की नहीं है, वो घास मिर्ची का नहीं है। तो इस तरीके से एक में नहीं, ऐसे बहुत ढेर सारे पौधे लगी हुई है जिनमें ढेर सारे ये जो कीड़े भी दिख रहे हैं। लाल लाल कीड़ा दिखाओ, लाल लाल कीड़ा दिखाओ। ठीक है, ये देखो ये है, ये जो कीड़ा लगा हुआ है ये है ना। ये सब पत्तियां सूख चुकी हैं ना, ये सिकुड़ चुकी हैं, पत्तियां सिकुड़ गई हैं पूरी। अच्छी पूरी तरह से पूरे पेड़ से घुट रहे हैं। चलिए तो सर मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि लाना जी, ये जो दो प्रोडक्ट हैं ये आपको सिर्फ इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लो, तरीके से होंगे। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट हैं आपके, ये जितनी भी सिकुड़न वाली बीमारी है या जो कीड़ा लग रहा है तो इसमें आप स्प्रे भी करेंगे कीड़ा मारने का या नहीं करेंगे? स्प्रे करेंगे। तो जब आप स्प्रे करेंगे ना तो आप दवाई तो लेके आएंगे ही, इसमें आपको अपनी दवाई के अंदर एग्री 82 मिक्स कर, ये जो दो प्रोडक्ट है ये बीमारी जितनी भी लग रही है मिर्ची के अंदर ये आपकी अच्छी तरीके से दूर होगी। आप उसे निश्चिंत रहें, और हम एक पेड़ पे नहीं इस पूरी क्यारी में आपको स्प्रे करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, या जिसमें कम बीमारी लगी हुई है, ज्यादा बीमारी आप डिसाइड कर लेना, हम उसमें एक में करेंगे 100%। ये जो दो प्रोडक्ट है आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा सा और जानकारी दीजिए कि मिर्ची में और कौन सी बीमारियां लगती हैं। बीमारी में मुख्य रूप से यही पत्ती सिकोड़ा रोग लगती है, दूसरा पत्ती ककोड़ा हो जाता है। पत्ती सिकोड़ा तो हम फिर भी इसको ठीक कर लेंगे दवा के बल पे, अभी हम ठीक कर लेंगे, लेकिन पत्ती ककोड़ा लग जाएगा फिर वो किसी दवा से बिल्कुल ही बेकार पौधा जैसे वो हो रहा है। ये देखिए ना नीचे, ये बिल्कुल ये तो भी सही हो जाएगा, ये तो पैदा भी नहीं हुआ। ये है, इसको सही नहीं कर पाएंगे। देखो इस पे कीड़ा भी लगा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखो कीड़ा लगा हुआ है इस फसल पे। ठीक है, नीचे लगा हुआ सर, हाँ खराब हो गया सर यहाँ से। नहीं वो पौधा नहीं, वो तो काला कलर है। ठीक है, कलर होता है इसमें। एक सफेद मच्छर बोलते हैं, सफेद मच्छर और मकड़ी, सफेद मच्छर मकड़ी से ही ये पत्ती सिकोड़ा लगता है। क्योंकि अच्छा। मैंने ये कानपुर के लखनऊ के कई डॉक्टर लोग आते हैं उनको मैंने बोला, उन्होंने जो भेजो है अपनी दवाई बताई, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई, सक्सेस नहीं हो पाई। दिल्ली से जो कृषि मंत्रालय है वहाँ से भी मैंने कांटेक्ट करके पूछा, वहाँ से भी वही जो उन्होंने बताया कि उनका वही रटा हुआ है हिसाब किताब। मैं तो सोचता हूँ साइंटिस्टों का रटा हुआ है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल तो उन्होंने भी वही बताया, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं, साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो इसमें आपने पानी लगाया, खाद वगैरह भी लगाते हो इसमें आप? नहीं, खाद नहीं लगाते हैं, केवल गौमूत्र और गोबर से बना के वही खाद लगाते हैं। अच्छा, रासायनिक कोई खाद नहीं, कोई भी चीज नहीं लगाते हैं, पानी तो लगाते ही हैं। पानी लगाते हैं अभी तो बराबर, और पानी लगेगा, पानी तो और लगेगा। ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे ये मिर्ची के पौधे हैं और इसमें पत्ती सिकुड़ने की बीमारी लग चुकी है, इसको क्या बोलते हैं? पत्ती सिकुड़ा। और एक दूसरी बीमारी आपने बताई थी, पत्ती ककोड़ा। पत्ती ककोड़ा एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर पत्तियां पूरी तरीके से खत्म ही हो जाती हैं, उसके बाद कोई भी दवा काम नहीं करती है। लेकिन पत्ती सिकुड़न में अगर हम इसको बचाना चाहते हैं तो आप ये दोनों प्रोडक्ट हैं दोनों को मिक्स करके आप अपने फसल के अंदर इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट आपको 100%। और क्या कहना चाहेंगे? लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे, हमारे दो चार पौधों पर हमें डेमो करके दिखाइए, प्रैक्टिकल करके दिखाइए, प्रोडक्ट आपके काम करेंगे अथवा नहीं करेंगे, हम भी तो उसको देख लें, हम भी तो संतुष्ट हो जाएं, हम भी तो उस पर विश्वास कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। और आज हम इनसे ये बोल के जा रहे हैं, कह के जा रहे हैं कि इनकी एक क्यारी के अंदर हम इनको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जिससे कि इनको पूरी तरीके से जो वेस्टीज कंपनी दावा करती है, जो विश्वास दिलाती है, तो इनका विश्वास जीतने में वो कितनी कायम रहती है, कितना सक्सेसफुल होती है, ये पता चलेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब इनको रिजल्ट मिल जाएगा।
तो हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि वास्तव में इनको रिजल्ट मिला या नहीं मिला। अगली वीडियो हमारे इंतजार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, विश यू वेल्थ।